और सभी राइटर हमारे और आजाद सिंह राइटर भी आज है भाई, इसलिए कई सारी सारी गाने इन्होंने लिखा है आजाद जी और कवि जी और कुशवाहा जी मनोज कुशवाहा नक्शु भाई डिजाइन किए भाई मनोज कुशवाहा जी सभी लोगों के प्रणाम करो। बहुत अच्छा लगा हमके इधर महेंद्र बाबू और डायरेक्टर साहब जी के कल फोन आ रहे हैं, तो डायरेक्टर साहब को धन्यवाद दे दिया हमारा के न्योता देगा, तो डायरेक्टर साहब को धन्यवाद दे और महेंद्र भाई के लिए हम हैदराबाद में रहें और जब हमारा के फोन कर दिए तो बोल रहे हैं भैया आए के बाद और खासी आज आई मुहूर्त खातिर हम हैदराबाद से आए गए शूटिंग छोड़ के, तो हम धन्यवाद दे और शिव भाई बड़ा खेसारी जी तो उनका था कि बहुत समय के बाद एक अच्छा सिनेमा का प्रोमो देखे के मिलल ना, तो भोजपुरी सिनेमा का उत्थान बहुत जरूरी बाटे और हमके बड़ा अच्छा लगे ला कि अच्छा अच्छा सिनेमा बनी तो भोजपुरी और हमारे एकदम चकले रही, कहीं इतना बड़ा दर्शक को कोनो भी भाषा के ना बड़ा, तो अच्छा है कि हम धन्यवाद दे और नए प्रोड्यूसर साहब के हम साधुवाद दे आपके स्वागत का भोजपुरी सिनेमा में कि इतना बढ़िया पिक्चर लेके आवा था और भगवान करस कि आप भरा महारे कहां के भाई बहन तो हम 16.5 के इन लोग गोड़ छू के नाम पे एकदम पगला देता, हम तो अभी जवानी की दहलीज पर हमने अंगूठा रखा है, इन लोग तो सब गोड़ छूता ऐसे जैसे कि हम 200-300 साल से हैं। अभी दिला के बारे में डेवलपमेंट हो गया कैसा रहा कुछ भाई वह तो बोल रहे तू कौन भाषा में से बोल रहा है तो उड़ते देर से वही तो बोल रहे हैं मार मार शंभो 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 शंभो। बहुत अच्छा संजय पांडे जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक्टर है ये, हमारे साथ नदिया के तीर किया था उसके बाद इतना जान बचा के हमसे भागता था कि भैया मारते हैं। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं सर, आपके साथ शुरुआत बहुत अच्छी हुई इसकी। अवधेश मिश्रा सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, तो ये फिल्म को साधुवाद है, हम यही कहेंगे कोनो फेस्टिवल के टाइम छुट्टी के समय पे लगाइए ताकि पिक्चर बहुत लोगों के देखे के मिली, लोकेशन वाइज बहुत अच्छे हैं, राजेश रजनीश जी भी हैं बहुत रजनीश है रजनीश, हम क्योंकि दोनों के नाम से जानते थे हम, तुम दोनों को अलग तो देख ही नहीं सकते, लोग भले अलग हो गए रजनीश, ये बहुत अच्छा है इन्होंने फिल्म बना के भोजपुरी को ऊंचाई दी और एक अच्छा साफ सुथरा सिनेमा बनाया आपको, बहुत हमको पिक्चर ना दिखाई इसलिए मैं उसके बारे में बोल नहीं सकता हूँ, हमको दिखाओगे तो हम बोलेंगे लेकिन सुनेंगे तुमने बहुत अच्छा सिनेमा बनाया, सो वेरी नाइस कॉन्ग्रेचुलेशन की भोजपुरी इसी तरह बढ़े। भी हम बताएं कि 20-25 साल पहले तेलुगु सिनेमा हम ज्यादा भी करते हैं और कन्नड़ा, तो वहां पे भी उसको बड़ी हिकारत की नजर से देखते थे 20-25 साल पहले, आज वही तेलुगु सिनेमा बाहुबली बनाता है, हमारे पास दर्शक बहुत अच्छे हैं, बस हमको जज्बा चाहिए, हमारे पास कलाकार अच्छे हैं, ईमानदारी है हम लोगों के पास और भगवान करेंगे हम लोग भी बहुत अच्छी अच्छी सिनेमा बनाएंगे और ऊंचाई पे आएंगे, तो ऑल द बेस्ट टू एंटायर टीम और चंपारण जिला चंपारण के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, और अब मैं डायरेक्टर साहब को चाहूँगा आप जरूर बात करिए, आप बोलिए आपका अधिकार है, आपकी बात है। नमस्कार सर, मैं अखिलेश सिंह बोल रहा हूँ TV24 से, रवि जी और खेसारी जी आप दोनों से मेरा सवाल है जी, जी बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे थिएटर हैं जो बंद हो रहे हैं, तो उसमें रवि जी का क्या पहल होगा, और ये बहुत दुख की बात है कि बीना सिनेमा बंद हो गया, ये हमको बहुत ही शॉक लगा कि बीना सिनेमा से हमारा हम लोगों का 4-5 लाख रुपए का वीकली कलेक्शन आता था, वो एक बड़ी शॉकिंग न्यूज है बीना का बंद होना, और हम सुने कि बहुत सारा सिनेमा उसका तो लाइसेंस ही रद्द कर दिया बीना का, तो ये दुखद है, तो मैं आप लोगों के द्वारा चीफ मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा जो कि मैं करीबन 17 साल से निवेदन कर रहा हूँ बिहार में, 17 साल हो गए जब सैया हमारा आई थी तब से मैं वहां से निहोरा कर रहा हूँ,
तब से अब 17 साल हो गया हमको, वही निवेदन चल ही रहा है और आज भी निवेदन फिर कर रहा हूँ कि सिनेमा हॉल को मत बंद करवाइए। जिस तरह महाराष्ट्र में मल्टीप्लेक्स लागू है, इस तरह करवाइए कि आप हम लोगों को कंपल्सरी मल्टीप्लेक्स दें। और हम लोग भी वादा करते हैं कि जैसे ये फिल्म है वैसे अच्छी अच्छी फिल्म लेके आ रहे हैं। हमारी भी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आ रही है भोजपुरी में, और भी हमने एक दो बड़ी साइन की है, अमेरिका में एक शूट करने जा रहे हैं, सो हम लोग लेके आएंगे। लेकिन हम लोग का सिनेमा हॉल बंद होगा तो हम लोग कहाँ के रहेंगे? शुभी शर्मा तुम वहां क्यों खड़ी हो? तुम आओ, ऐसा नहीं, सारे गेस्ट लोग आई, काजल जी भी हैं, काजल रघवानी जी प्लीज आप मंच पे आए प्लीज। इसी कड़ी में मेरा दूसरा भी सवाल है रवि जी आपसे। पहले तो भोजपुरी का कोई प्रतिनिधि नहीं हुआ करता था, और अब तो प्रतिनिधि है, मनोज जी सांसद हैं, मनोज जी तिवारी, तो क्या कोई आप लोग पहल करेंगे इस विषय को लेके गंभीरता से? जी हम मनोज बाबू से बात करेंगे, चूंकि हम लोग अच्छे मित्र भी हैं, हम लोग सामने एक ही पार्टी के साथ काम भी जुड़े हैं, बड़े लेवल पर हम लोग काम भी कर रहे हैं, तो हम डेफिनेटली गोइंग टू टॉक टू हिम, मैं उनसे बात करूंगा कि इस सिलसिले में बात करें। अगर पटना में बीना बंद हो जाता है तो फिर हाजीपुर में भी बंद हो गया तो फिर तो भोजपुरी सिनेमा ही खत्म हो जाएगा, फिर तो हम लोगों की कोई बिसात ही नहीं रहेगी, हम लोग फिर किसके लिए बनाएंगे? वो बिहार ही से हम लोग को रेवेन्यू ज़्यादा आता है। खैर, तो वो कोशिश करेंगे मनोज बाबू से तुरंत बात करें, चूँकि अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, तो ये पहल वो डेफिनेटली वो टेक ऑफ करेंगे और हम लोगों को एक बड़ी मदद होगी। और ये बात मैं सरकार तक स्वयं भी पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं भी अभी उसको रिप्रेजेंट करता हूं, इस सरकार के साथ जुड़ा हूं, तो ये स्वयं मैं भी इसकी जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं इसको पहल करूंगा। यस, ये भोजपुरी आपकी बात करें तो आप कांग्रेस में थे, छोड़ के अब बीजेपी में आए हैं, बीजेपी की केंद्र में भी सरकार है, शायद बिहार में भी बहुत जल्द सरकार बन जाएगी बीजेपी की भी, क्योंकि लालू प्रसाद और नीतीश की दोनों की अगर अनबन देखी जाए तो लगता है कि वहाँ बहुत जल्द बीजेपी की सरकार बनेगी, तो क्या कुछ ऐसा पहल होगा कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो और आप सरकार से बात रखेंगे? जी तुरंत हम लोग एक महीने में इसका रिजल्ट लेके आएंगे, क्योंकि ये बहुत चिंता का विषय है, इस मैटर को डेफिनेटली हम लोग खत्म करेंगे। और सिनेमा हॉल नहीं तो मल्टीप्लेक्स को तो कंपल्सरी करा लें, क्योंकि बड़ी फिल्मों को मल्टीप्लेक्स मिलना पटना में बहुत जरूरी है। रवि जी, मेरा सवाल मैं नेशनल से अरुण गुप्ता, जिस प्रकार अभी इंटरव्यू